हेलो गाइस, तो यार आज की वीडियो में हम बात करेंगे टिम्पैनो 8 इंची बूफर के बारे में। सो गाइस, हो सकता है कि मैं जो है इसका नाम ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, टिम्पैनो या टाइम्पैनो जो भी हो। तो कुछ इस टाइप का जो है आपको इसका बॉक्स देखने को मिलेगा, और बॉक्स के ऊपर में ही आपको जो है स्पीकर का मॉडल नंबर भी दिख जाएगा। चलिए, कुछ इस टाइप का दिखता है सामने से, और बीच में ही डस्ट कैप में जो है आपको कंपनी का ब्रांडिंग दिखने को मिल जाएगा, और इसके साथ ही 4 स्क्रू आपको देखने को मिल जाएगा, और इसमें आपको डबल फोम देखने को मिलेगा। सो गाइस, बात करते हैं इसकी पीक पावर की, तो आपको इसमें जो है 400 वाट का पीक पावर देखने को मिल जाएगा, और इसका जो RMS पावर है वो है 200 वाट, और इसका ओहम रहता है वो ओहम है इसका 4 ओहम ही आ जाएगा। और इस स्पीकर का जो सेंसिटिविटी है वो है 95 dB। और गाइस, ये एक मिड बेस का स्पीकर है, तो इसमें आपको जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, इसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो है 95 से लेके 6,650 हर्ट्ज तक। और सबसे बड़ी बात गाइस, आपको जो है इसमें 2 इंची का वॉइस कॉइल मिल जाता है, और ये आता है फेराइट मैग्नेट के साथ में, और इसका वजन जो है मतलब इसका वेट है, तो गाइस इसका जो वेट है वो है 2.5 किलो का, मतलब ये 2.5 किलो का स्पीकर है। तो ये जो है पीछे से कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा, और ये कंपनी का कहना है कि ये बहुत ज़्यादा स्लिम बूफर है। तो आजकल बूफर भी स्लिम आने लग गया, बताओ। तो यार, जो भी इसका ज़रूरी स्पेसिफिकेशंस थे वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। तो इसका जो मैग्नेट है वो भी बहुत बड़ा है, तो हमारे जो लोकल ब्रांड के सब बूफर आते हैं ये उनको भी टक्कर दे सकती है। और इसका जो टर्मिनल्स है वो भी मजबूत देखने को मिलेगा आपको। तो यही था टिम्पैनो 8 इंची मिड बेस बूफर का रिव्यू। तो अगर आपको ये ख़रीदना रहेगा तो आप जो है मुझे इंस्टा पे आके मैसेज कर सकते हो, मैं आपको इसका बाइंग लिंक दे दूँगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बहुत जल्दी 1000 होने वाला है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।